लखीमपुर खीरी में पराली जलाने को लेकर अभी तक कुल 54 किसानों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें से 48 किसानों को धान पराली जलाने वाले तो 6 किसान गन्ने की पत्ती जलाने वाले हैं। वहीं अगर कुल जुर्माने की बात की जाए तो 2,85,000 के जुर्माने की नोटिस किसानों को भेजी गई है, तो अभी तक 70,000 की वसूली भी की गई है। पराली जलाने को लेकर बनाई गई टीमों में लापरवाही करने वाले 11 लेखपालों को स्पष्टीकरण, वहीं 3 लेखपालों को आरोप पत्र भी दिया गया है। कुल मिलाकर धान पराली जलाने को लेकर प्रशासन का रवैया काफी सख्त है, तो वहीं किसानों सहित किसान नेताओं का कहना है कि सरकार बेवजह किसानों को परेशान कर रही है। जबकि गन्ना कोल्हू सहित ईंट भट्टे व गन्ना मिलों से निकलने वाला धुआं क्या पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता, पर उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? सरकार को या तो पराली नष्ट करने को लेकर कोई ठोस राजनीति बनानी चाहिए या फिर परेशान न किया जाए। लखीमपुर खीरी की बात करें तो यहाँ 9 गन्ना मिल, लगभग 200 ईंट भट्टे, तो वही हजारों की संख्या में गन्ना कोल्हू है जो दिन भर धुआं उगलते हैं, पर इनको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वही किसानों पर पराली जलाने को लेकर कार्रवाई जरूर देखने को मिली है। वही भट्टा मालिकों का तर्क है कि भट्टे की चिमनी NGT के मानकों पर बनी है, वही गन्ना कोल्हू की चिमनियां किसी गाइडलाइन को पूरा नहीं करती। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार को, आज यदि हमारा किसान पराली जलाता है उसके ऊपर मुकदमा लिखा जाता है, गन्ने की पत्ती जलाता है उसके ऊपर मुकदमा लिखा जाता है, भोले भाले किसानों को कॉलर से पकड़ के और ले जाया जाता है थाने। क्यों नहीं सरकार के सिर पे जू रिंग रही, क्यों नहीं देख रही कि भोले भाले किसानों पर इतने मुकदमे लिखे जा रहे हैं? ये भट्टे चल रहे हैं और ये गन्ने के मिल चल रहे हैं और ये बेले चल रही हैं, जो इतना प्रदूषण है ये नहरों का, ये क्यों नहीं साफ सफाई हो रही? क्यों नहीं इनके ऊपर जो है ये धुआं इतना फैल रहा है? ये सारा प्रदूषण किसानों ने फैला रखा है क्या? जो भी कार्रवाई होती है वो किसानों के ऊपर होता है, ये बड़े लोगों पे कार्रवाई कब होगी? जय जवान जय किसान। देखिए अभी तक जो हमारे यहाँ पराली से 69 घटनाएं संज्ञान में आई हैं और हर घटना का जो भी संज्ञान में आई हर एक की समीक्षा की गई है, और अभी तक इसको दृष्टिगत रखते हुए 2,80,000 का जुर्माना आरोपित किया गया है, जो दोषी लोग हैं। इसके अलावा 26 प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। लगातार किसानों को नया पंचायत स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक लोगों को जागरूक कराया जा रहा है। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में किसानों पर मुकदमे लादे जा रहे हैं, घोर निंदनीय है, बिल्कुल उत्पीड़न किया जा रहा है। इस तरीके से किसान जो देश का पेट भरता है, हमारी देश की रीढ़ है, उस पर इस तरीके से मुकदमे लादना बेहद दुखद है। ये मुकदमे नहीं होने चाहिए। किसानों को जो सम्मान देना चाहिए वो सम्मान की बजाय भारतीय जनता पार्टी किसानों को उत्पीड़न कर रही है, जो नहीं होना चाहिए। धान की फसल खराब हो रही किसानों की, उसका रेट नहीं मिल पा रहा है, किसानों को सहारा देना चाहिए, किसानों का सम्मान करना चाहिए, जिसके बदले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों पर मुकदमे लादकर घोर अन्याय कर रही है, जो बेहद गलत है, नहीं होना चाहिए। लखीमपुर खीरी से फारूक हुसैन की रिपोर्ट।